रीवा दर्शन के खास प्रोग्राम नजरिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं युवा समाज सेवी कुंवर कपिध्वज सिंह जी। इनके द्वारा किया जा रहा पंचकन्या विवाह इन दिनों चर्चा में है, लगातार चर्चा में है। आइए जानते हैं कि ये विचार उनको कैसे आया। काफी समय से सामाजिक जीवन में रहते हुए बहुत से गरीब परिवारों से संपर्क हुआ हमारा, और इस बीच ये हमने पाया कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अभावग्रस्त हैं, जिनके घर में बेटियां हैं और उनको इतना संकट है कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। समय समय पर हमारे परिवार और हमारे द्वारा जितना सामर्थ्य था उसके हिसाब से लोगों की सेवा में हम लोग शादियों में और परेशानियों में मदद करने का प्रयास करते थे। ये परेशानी उनकी देख के, ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हैं, ये विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम लोग ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिसमें इस प्रकार के जो परिवार हैं, अभावग्रस्त परिवार हैं, उनकी गरीब कन्याओं की शादी का दायित्व हम लोग अपने ऊपर ले लें। क्या बात है। एक हमने संस्था भी बनाई बघेलखंड सेवा संकल्प के नाम से, और जैसा कि नाम है उसी तरह का उद्देश्य था कि बघेलखंड में जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा का संकल्प लिया गया कि यथाशक्ति जितना हो सकेगा बघेलखंड में निवासरत हर पीड़ित परिवार का, हर पीड़ित जन का हम लोग यथाशक्ति सेवा करने का प्रयास करेंगे। इसी चर्चा के दौरान जब ये संकल्प हम लोगों ने लिया तो ये विचार आया कि एक कन्या का कराया जाए, दो का कराया जाए, कितनों का कराया जाए। तब सर्वसम्मति से हमारे सब शुभचिंतकों ने और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कम से कम 5 कन्याओं का एक साथ विवाह कराया जाए। तब ये कार्यक्रम जी तय हुआ हम लोगों का। 5 कन्याओं का विवाह कराने का तय हुआ, लेकिन भैया जी हम लोग सुन रहे हैं कि इस बार शायद 6 कन्याओं का विवाह है। जी, इस बार 6 कन्याओं का विवाह है, क्योंकि परंपरागत हम लोगों को 5 ही कन्या का करने का था। सारा कार्यक्रम जब तय हो चुका था, कन्या तय हो चुकी थी किनका किनका विवाह होना है जी, तब एक और आवेदन आया, तो उस आवेदन को हम लोगों ने उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उस आवेदन को स्पेशल केस की तरह हम लोगों ने लिया, क्योंकि कन्या दिव्यांग है, पिता नहीं है उनके, और बहुत अभावग्रस्त, बहुत पीड़ित परिवार है। इसीलिए सबकी सहमति हुई, सबका विचार हुआ कि इस आवेदन को हम लोग स्पेशल केस लें और एक 5 के बजाय हम लोग 6 करें। तो आयोजन तो ये 5 पंचकन्या विवाह है, और इस बार एक दिव्यांग कन्या के विवाह के चलते इस बार आपने 6 कन्याओं का चयन किया है और गोविंदगढ़ में किया है। ये गोविंदगढ़ का ही चयन आपने क्यों किया? देखिए, वैसे तो हम पूरे बघेलखंड को ही घर मानते हैं जी, बेशक, लेकिन रीवा के अलावा गोविंदगढ़ है, टीकर है, ये इन जगहों पर हमारा निवास रहा है, और गोविंदगढ़ टीकर अंचल, गोविंदगढ़ उस क्षेत्र का मुख्यालय भी है और पुराने समय में गोविंदगढ़ रीवा का समर कैपिटल भी कहलाता था। गर्मी में राज्य वहाँ शिफ्ट हो जाता था, और गोविंदगढ़ की कुछ विशेषता भी है और पुरातन जुड़ाव भी है जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गोविंदगढ़ से उपयुक्त कोई स्थान हम लोगों को नहीं लगा। एक सहज सवाल मन में उठता है, आगे चुनाव सामने है, तो क्या इस तरह का आयोजन चुनाव के मद्देनजर तो नहीं? नहीं, जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों की सुख दुख में भागीदार बनने के लिए चुनाव तो कोई कारण नहीं हो सकता है जी। और ये हमारा तथा हमारे परिवार का परिवार की परंपरा रही है, गरीबों की सेवा करने के लिए यथाशक्ति जब संभव हो हुआ है हम लोगों ने उस सेवा के लिए उपस्थित हो सके, ये हम सब दिन प्रयास रहा है।
इसको चुनाव से जोड़कर देखना तो उचित नहीं होगा, और गरीबों की सेवा के लिए चुनाव हो या ना हो उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। उसके लिए तो हम लोग सब दिन जनता के साथ, गरीबों के साथ, जो भी पीड़ित है जी उसके साथ सब दिन खड़े रहने के लिए हाजिर। पिछले वर्ष और उसके पहले ये आयोजन होता रहा है, तो जाहिर है कि चुनाव के मद्देनजर नहीं है। जी, चुनाव का कोई लेना देना नहीं है इससे। जी, समाज सेवा के और भी तरीके हो सकते थे, शादी ही क्यों चुना आपने? ऐसा नहीं है कि शादी ही चुना। शादी का आयोजन चूंकि मीडिया में है, इसका प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। जी, इसके अतिरिक्त भी जितना संभव हो सके जन सेवा करने का प्रयास हम लोग करते हैं। गरीबों की दवाई की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था, शिक्षा में लोगों की, गरीब परिवार जो है उनकी शिक्षा में मदद करने की प्रयास करते हैं, और जितना कई माध्यम है, बुजुर्गों के लिए ठंडी में कपड़े वगैरह, तो जितने भी माध्यम हैं उनमें प्रयास तो रहता है। शादी सिर्फ चूँकि मीडिया में है इसलिए चर्चा में है, बाकी सारी चीज़ें शायद अभी चर्चा में नहीं है। जाहिर है आपकी सारी गतिविधियों पर सबकी नज़र रहती है, तो ये पंचकन्या विवाह भी लोग बड़े गौर से देख रहे हैं। अपने समाज सेवा के जज्बे को लेकर के आप कई जगह सक्रियता आप निभाते रहे हैं, और इस बार विवाह, पंचकन्या विवाह आयोजन कर रहे हैं। आम जनता से आप कुछ और कहना चाहेंगे? आम जनता से तो हमारी यही अपील रहेगी कि एक दूसरे की मदद करके समाज को कैसे मजबूत किया जाए, इससे अच्छा कोई समाज के लिए योगदान नहीं हो सकता है। और यथासंभव हर व्यक्ति को समाज को मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। ये तो थे कुंवर कपिध्वज सिंह जी, जिनसे हम बातें कर रहे थे, जो आज कल चर्चा में है, जिनका कार्यक्रम पंच कन्या विवाह। अभी आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम नजरिया। मनोरंजन के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार। अभी आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम नजरिया। आज हम थे पंच कन्या विवाह को लेकर इन दिनों चर्चा में रहे कपिध्वज सिंह के साथ। आइए देखते हैं कुंवर कपिध्वज सिंह ने पिछले वर्ष हुए पंच कन्या विवाह में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये कार्यक्रम इन दिनों चर्चा में है। आप देख रहे हैं गोविंदगढ़ का पोलो मैदान। यहाँ पर उत्साह उमंग के साथ गुड़ विधानसभा और आसपास के ग्रामीण जन इकट्ठा होकर खुशियाँ मना रहे हैं। आखिर वैसा करें भी क्यों ना, उनके जिगर के टुकड़ों की शादी हो रही है। अभी तक जो कन्या हमारे घर में थी उसकी उससे ममता थी, जब वो दूसरे घर में जाती है ना, उसकी ममता वहाँ पर बदल जाती है। अतिथि गृहों में पहुँचने के साथ साथ उसकी ममता उस पथ के परिवार से जुड़ जाती है। आज के इस कलयुग के युग प्रवाह में यद्यपि हमारी परंपराएं यत्र तत्र विशृंखलित हो जा रही है, परंतु फिर भी परंपराएं शाश्वत चालू है। एक बड़े सौभाग्य की बात है कि पंचकन्याओं का संबंध एक साथ एक वेदी में एक परिवार के संबंधों के साथ उनके भावी जीवन की कामना जो यहाँ पर ठाकुर साहब ताला ने किया है, तो उसकी भूल भूल प्रशंसा करते हैं। ये पंचकन्याओं का संबंध शाश्वत हमारे जीवन में एक नए भावों को पैदा करें। अपनी कन्या कैसी वो क्यों ना हो, उसके लिए शाश्वत जीवन पर्यंत मन में कुछ न कुछ देने की, उसके आगे बढ़ने की एक आकांक्षा बनी रहती है।
ये पंच कन्याओं का सौंदर जो ढूंढ डाल करके किया है ये बहुत ही अश्लाघनीय विषय है। हम तो चाहते हैं ये पंच कन्याएं जो अपने अपने परिवारों से जुड़ेगी, इस समाज को, इस विधान, इस प्रक्रिया को और ठाकुर साहब को हमेशा याद रखेंगे। जहाँ हम लोगों ने अपने भावी जीवन के प्रति अपना संबंध जोड़ा है, विवाह एक ऐसा संबंध है जो कन्याओं के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। जहाँ उसके मन में उसके पिता, भाई, बंधु कुटुंब